मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में किसान बिल से महंगाई बढ़ी, रेल हवाई सेवा तेल कंपनियां बेचने लगी है केंद्र सरकार, भूपेंद्र सिंह बघेल ने कहा। बताते चले ग्वालियर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लाए गए तीनों बिलों किसानों के लिए घातक हैं। उन्होंने कहा कि इन बिलों से बाजनान किसान को कोई लाभ नहीं होगा, व्यापारी किसानों की जमीन पर एकाधिकार जमा लेंगे। उन्होंने बताया कि बिलों के आने के बाद से आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान को छूने लगे हैं और MSP के बाद भी किसानों ने उत्पाद की कीमतें से आधे कम में मिल रही है। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के हितों में नाम पर लाए गए तीनों बिल किसान विरोधी हैं। उन्होंने बताया कि यह बिल पूर्व मुख्यमंत्री शांत कुमार की एक रिपोर्ट पर तैयार किए गए थे। उन्होंने बताया कि शांत कुमार ने ही FCI को समाप्त करने व MSP को लाभ केवल 6% किसानों को मिलता है, जैसे कि रिपोर्ट में लिखी थी। केंद्र सरकार उनकी रिपोर्ट में अंतिम मानकर उस पर अमल कर रही है। केंद्र सरकार PDF सिस्टम को समाप्त कर दो कैटेगरी अंत्योदय कार्डधारी समान कार्डधारी को रुपए में पक्षपात कर रही है। बघेल ने बताया कि एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि MSP समाप्त नहीं होगी, वहीं जो बोनस देती है आज अनाज केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी। छत्तीसगढ़ से 2500 रुपए क्विंटल का धान खरीदेगा जो बाजार में 1700 से 1800 बिक रहा है, इसमें किसानों को नुकसान हो रहा है। ग्वालियर से आशीष श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। निर्णय को बर्दाश्त नहीं करती और वही स्थिति मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने आदेश जनादेश दिया था और उसका अपमान करके धन से उसे तौला गया और प्रजातंत्र का चीरहरण किया गया। सत्ता लोलुपता में इतिहास तब हो गए जब आम जनता को, पूरे देश की जनता को मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए कोरोना में से झोंक दिया। अब स्थिति यह है, चुनाव में शिवराज जी सिंह पूछते हैं कि 15 महीने में क्या किया। आप सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही, कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव हुए। 3 महीने तक आचार संहिता लगा रहा, काम करने के लिए मुश्किल से 1 साल का मौका मिला। उसमें भी बड़े बड़े फैसले कमलनाथ जी की सरकार ने लिए हुआ था। 15 साल सत्ता में रहने वाले 15 साल का हिसाब तो नहीं देते, लेकिन 12-15 महीने का हिसाब जरूर पूछ रहे हैं।